गाइस ये देखिए ये कैसे कैसे इंसेक्ट निकल रहा है। सो देखिए देखिए। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को अगरुत यानी सासी पेड़ के जो इंसेक्ट या कीट के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए जो पेड़ में इंसेक्ट घुसता है उसमें ज्यादा प्राइस में आप लोग बिक सकते हैं, ज्यादा और ज्यादा प्रॉफिट मिल सकते हैं। सो इसके बारे में बताऊंगा और इसका दो प्रोसेस है, एक नेचुरली है और एक आर्टिफिशियली है। सो इसके बारे में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बता दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार के चला जाइए, कोई बात नहीं। देर मार करके वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को मैं छोटे से लेके बड़े पेड़ में आप लोगों को कैसे इंसेक्ट घुसता है इसको आप लोगों को मैं दिखा लेता हूँ। सो पहले आप लोग देख लीजिए। पहले मैं छोटे पेड़ से ही शुरू करता हूँ। पहले आप लोग देख लीजिए ये पेड़ कितना छोटा है। ये लगभग दो साल का पेड़ है, इतना बड़ा भी नहीं है। ये कितना होगा, 7 फीट हो जाएगा, लेकिन इसको भी होल किया है। आप लोग देख लीजिए, ये नेचुरली प्रोसेस से होल किया है। ये देख लीजिए और ये देखिए, ये दोनों जगह में होल किया है, एक ये जगह एक ये जगह। अब आप लोगों को मैं बड़ा पेड़ दिखा रहा हूँ। सो चलिए, ये है अगरुत यानी सासी का बीज। ये और थोड़े दिन के बाद 4-5 महीने के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको फिर से आप लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। ये वाला बीज, अगर आप लोगों को बीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अंदर से ही मैं जा रहा हूँ। अब देखिए ये पेड़, ये तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है होल किया, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ये देखिए ये वाला पूरा क्या बोलता है, पूरा सफेद हो रहा है। जो ज्यादा दिन हो जाता है तो पूरा काला हो जाता है, लेकिन ये कुछ दिन पहले ही ये होल किया है। और एक दिखाता हूँ, और देखिए ये वाला भी देखिए, ये भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, वो छोटा पेड़ है इसलिए नहीं हुआ है, देख लीजिए। और एक दिखाता हूँ, ये वाला देखिए कैसे रेजिन निकल रहा है। ये वाला देखिए आप लोग देखिए कैसे कीट होल कर रखा है। देखिए कैसे, अब लोगों को मैं दिखाता हूँ वो वाला। सो देखिए यहाँ पे घुसा है, कीट अंदर में घुसा है कि मेरा को देख के वो अंदर घुस गया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बड़ा वाला दिखाता हूँ। ये देखिए इतना जगह होल किया है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए एक जगह है, एक जगह में ये दूसरी जगह है, ये तीसरी है, ये देखिए चौथी है, और बहुत जगह। ये देखिए अब मैं आप लोगों को इसकी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, सो लेट्स गो। और एक दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला बहुत बड़ा पेड़ है। ये वाला देखिए, इसको होल किया फिर से भी क्लोज कर दिया। इसको बहुत जगह होल किया था लेकिन अब क्लोज कर दिया। और गाइस मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, देखिए ये दोनों सेम पेड़ है, सेम साइज का है और सेम एज है, लेकिन इस पेड़ को होल किया देखिए और इस पेड़ को होल नहीं किया। इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा किस लिए नहीं किया। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखिए, तब भी आप लोगों को पता चलेगा। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं इंसेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सो आइए गाइस, ये देखिए ये कैसे कैसे इंसेक्ट निकल रहा है। सो देखिए गाइस कैसे इंसेक्ट ने इसको होल कर रखा है। मैं आप लोगों को माइक्रो कैमरा से दिखा रहा हूँ। सो रुकिए, सो इंसेक्ट अंदर घुस गया। आप लोगों को इंसेक्ट यानी कीट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो इंसेक्ट यहाँ ये पेड़ में घुसा है ये हमने जोर जबरदस्ती नहीं बसाया है, ये नेचुरल प्रोसेस से आया है। इस पेड़ में एक खासियत है कि यहाँ पे इंसेक्ट घुस सकते हैं, इसलिए इस पेड़ में ही ये इंसेक्ट घुसा है। और एक दिखाता हूँ, ये भी एक बड़ा पेड़ है, ये दोनों पेड़ देख लीजिए। इस पेड़ में इंसेक्ट घुसा लेकिन इस पेड़ में इंसेक्ट नहीं घुसा। इस पेड़ में जो खासियत है इस पेड़ में ये नहीं भी हो सकते है, इसलिए यहाँ पे इंसेक्ट नहीं घुसा। आप लोगों को मैं प्रोसेस के बारे में बता, लेकिन आप लोग कुछ ऐसे काम कर सकते हैं को इंसेक्ट को पसंद आ सकते हैं, वो पेड़ इंसेक्ट को पसंद आ सकते हैं। सो मैं इसलिए इस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली ऐसा मिट्टी होना चाहिए कि और पेड़ को धूप अच्छा होना चाहिए, जब धूप अच्छे से पड़ेगा तो वो पेड़ वहां पे जरूर इंसेक्ट घुसेगा। थोड़े दिन
बाद घुसेगा लेकिन जरूर इंसेक्ट घुसेगा। वो पेड़ देख रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं वहां पे इंसेक्ट नहीं घुसा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उस पेड़ में भी इंसेक्ट घुस जाएगा। और एक बात है, जब आप लोग पेड़ लगाएगा, ये सासी पेड़ जब आप लोग लगाएगा, आप लोग ऐसे ही लगा के मत छोड़ दीजिए कि जैसे बड़ा होगा हो जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ना है। उस पर आप जैसे पेड़ को जैसे कोई विटामिन चाहिए, जैसा उसका पुष्टिकर जो खाद्य चाहिए, जो पुष्टिकर चाहिए वो आप लोग देना चाहिए। क्योंकि जो मिट्टी में यूरिया पोटास वगैरह आप लोग डाल दीजिए, जब मिट्टी अच्छा होगा तभी वो पेड़ को अच्छा खाना मिलेगा, तब पेड़ बड़ा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ऐसा पेड़ चाहिए। और जो ये इंसेक्ट है वो पूरी नेचुरल प्रोसेस से ही घुसता है। एक्चुअली क्या है, पेड़ की सॉफ्टनेस से भी वो इंसेक्ट घुसता है। जो पेड़ सॉफ्ट है, क्या बोलते हैं, कोमल है, कोमल सॉफ्ट, वहां में इंसेक्ट अच्छी तरीके से घुस सकता है। ज्यादा होल करने भी वो उसका ताकत नहीं जरूरत होता है। जो पेड़ बहुत हार्ड है उसमें इंसेक्ट इजीली नहीं घुसता है। जितना इस पेड़ को होल करने में उतना एनर्जी, ज्यादा एनर्जी नहीं हो जाता है, लेकिन उस पेड़ में उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा। सो इसलिए वो ये सॉफ्ट पेड़ को सोचता है। सो इसलिए सासी का भी ऐसा भाग है जो भोला सासी बोलता है, जो अच्छा वाला प्लांट पौधा उसको ही लगाना चाहिए। अब लोग जैसे तैसे के पौधा नहीं लगाना चाहिए। और आप, मैं बताऊंगा, जो इंसेक्ट यहां में घुस गया वो इंसेक्ट थोड़े दिन के बाद अंदर से अंदर या पूरा पेड़ खोखला बना देगा, पूरा पेड़ होल कर देगा, ये अंदर से अंदर ही पूरा पेड़ होल कर देगा। उसके बाद ऐसा रेजिन, वो ऐसा रेजिन बनाएगा कि उसका बहुत बहुत ज्यादा प्राइस में बिकता है। ये जब होल क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, तो अंदर ही उसका बहुत प्रोसेस चलेगा। ये अब होल कर रखा है लेकिन इसका भी प्रोसेस बहुत लॉन्ग है, इसका भी प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। ये 5 ईयर के बाद अंदर से अंदर बहुत खोखला बना देगा और ऐसा रेजिन तैयार करेगा कि उसका प्राइस ₹1,00,000 से भी ज्यादा है। सो गाइस, ये हो गया नेचुरली प्रोसेस। और इसको आप लोगों को मैं अब किट को दिखा रहा हूँ, ये कैसा है, आप लोग ये फोटो से ही देख लीजिए। किट ऐसा होता है, सासी का किट ऐसा होता है। और ये इसका में का ऑयल निकलता है, इसका किस लिए इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अब मैं आप लोगों को मैं बता दूं, ये पेड़ देख लीजिए, ये पेड़ 2 ईयर का है, इसका एज 2 ईयर है। लेकिन इस पेड़ को अगर वो किट ने इसको सॉफ्ट, ये तो बहुत सॉफ्ट है अब क्योंकि ये छोटा है, इसलिए इस पेड़ को जल्दी ही किट ने वो होल कर देता है। लेकिन इस पेड़ के लिए ये बात सही नहीं है। क्या होता है, इसको आप लोगों को मैं, इसका रिजल्ट क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी ऐसा पेड़ था लेकिन इसको कितने होल कर दिया, ये देखिए। सो इसलिए इसका एस खत्म हो गया, ये जल्दी से मर गया क्योंकि इसका जो पूरा पार्ट ही होल कर दिया, इसलिए ये पेड़ तो बहुत छोटा है इसलिए इसका ये मर गया। सो इसलिए इसका इस एक बात ये भी डिसएडवांटेज है कि जल्दी से छोटे पेड़ का सब जल्दी कीट होल कर देता है तो मैक्सिमम मर जाता है थोड़ा दिन, 5 साल के बाद जब हल करेगा वो बहुत अच्छा है, इसके लिए फायदेमंद है। लेकिन सब जो सोते पेड़ को होल कर देता है तो बहुत बुरा होता है। और मैंने बोला था कि इस पेड़ को किस लिए होल किया और इस पेड़ को किस लिए होल नहीं किया, इसके बारे में बोल देता हूँ। ये पेड़ बहुत सॉफ्ट है, इससे ये पेड़ बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इस पेड़ को होल किया। और इसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है किट को, लेकिन इस पेड़ को होल करने में ज्यादा एफर्ट लगता है, इसलिए इसको होल नहीं किया है। लेकिन ये बात नहीं है कि इस पेड़ को होल नहीं करेगा, थोड़े दिन के बाद इस पेड़ को भी होल करेगा। सो गाइस, मैं अब आप लोगों को नेचुरल प्रोसेस के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। सो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब आप लोगों को पूरा मालूम पड़ जाएगा। और गाइस, एक बात और एक मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अगरुत यानी सासी के पौधे चाहिए, मैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पे जाके आप लोग मैसेज कीजिए मुझे, मैं आप लोगों को जितना हो सके हेल्प करूंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट करके बताना मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को पौधा सही है तो मुझे कमेंट करके भी बताना, मैं आप लोगों को जितना हो सके हेल्प करूंगा। सो आइए, नेक्स्ट आप लोगों को मैं आर्टिफिशियल प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। आर्टिफिशियल प्रोसेस में जो अगरुत पेड़ है उसको ड्रिल मशीन यानी कुछ चीज से ड्रिल कर देता है, यानी होल कर देता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ केमिकल इंजेक्ट कर देता है, कुछ इंजेक्शन प्रोसेस से कुछ केमिकल, ऐसा केमिकल इंजेक्ट कर देता है, अंदर इंजेक्ट कर देता है। फिर वो पेड़ अपने खुद ब खुद रेजिन पैदा कर लेता है अपने अंदर। और ये प्रोसेस भी 5 या 10 साल के बाद ही ये पेड़ को आप लोग सेल कर सकता है। लेकिन ये प्रोसेस
नेशनल प्रोसेस से इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि जो नेशनल प्रोसेस में हमको जितना प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इस प्रोसेस में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। आप लोगों ने पूरी वीडियो को अंत तक देखा, सो आप लोगों को इसलिए थैंक यू। सो आज के लिए बाय।